पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के दिशा निर्देश पर श्रावस्ती पुलिस का अभियान। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के हरदत्त नगर गिरल इलाके से है, जहां पर रईस खान पुत्र स्वर्गीय अय्याज खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 610 ग्राम नाजायज चरस जिसकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपये आंकी गई है, उसे गिरफ्तार करते हुए NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। श्रावस्ती जनपद के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र का यह मामला। वहीं भेंगा पुलिस ने जनपद बलरामपुर के हिस्ट्री शीटर अपराधी को 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। हरिराम दास पुत्र स्वर्गीय बंसीधर निवासी शिवपुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर को भिनगा रंजरी के पास से भिनगा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है, जिसके विरुद्ध कई थानों में लगभग 19 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए शख्स पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेजा गया। बलरामपुर का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है हरिराम दास, जिसे भिनगा रंजरी के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के दिशा निर्देश पर पंपिंग सेट चोरी करने वाले दो अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए दो पंपिंग सेट बरामद हुए हैं। मुखबिर खास की सूचना पर बनघुसा मोड़ के पास से छोटे लाल पुत्र संतराम व फकीरे पुत्र छोटे लाल निवासी गण ग्राम मुलीमपुर दाखिला पूरे अधारी थाना कोतवाली भिनगा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दो अदद चोरी का पंपसेट बरामद किया गया है। आपको बता दें 3 मार्च को कुलेराज पुत्र स्वर्गीय भगत राम निवासी ग्राम मुलीमपुर दाखिला पूरे अधारी ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उनका पंपिंग सेट चोरी हो गया है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से दो पंपिंग सेट बरामद हुआ है। दोनों को बनघुसा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में भिनगा प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह, कांस्टेबल अनिल कुमार व कांस्टेबल गौरव कुमार मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा दो चोरी के पंपिंग सेट बरामद किए गए।